दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है 37 - 6 × 4 + 32 / 4। तो ये हमारा आ रहा है, इसमें हमारा डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और फिर माइनस भी है और प्लस भी है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे बोथ मास अकॉर्डिंग टू बोथ मास। ठीक है, एक बोथ मास हमारा, तो बी फोर क्या होता है हमारा ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट तो इसमें यूज होने रखा बी। ऑफ फोर क्या होता, ऑफ होता ऑफ भी, इसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता। ठीक है, डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एफ फॉर एड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास दो नहीं है, एक तो हमारे पास ब्रैकेट्स और ऑफ तो है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन डिवीजन है, तो हम सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे डिवीजन से शुरू करें, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा 7 × 6 × 4 + लेकिन यहाँ डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड किससे करना, 32 से करना, तो 4 × 8 कितना होता 32। तो हम क्या यहाँ पे प्लस करके ये पूरा सॉल्व करके क्या आ रहा, 8 आ रहा। अब उसके बाद क्या मल्टीप्लाई है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना मल्टीप्लाई, तो 37 ऐसे रहेगा, ये माइनस भी ऐसे रहेगा, लेकिन 6 × 4 कितना होता 24 होता प्लस 8 ऐसे लिखा जाएगा। अब हमारे पास आ रहा एडिशन, तो एडिशन ये और ये होगा क्योंकि ये तो माइनस में, तो ये और ये एडिशन अगर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अपनी तरफ से 37 + 8 - -24, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि एडिशन है, 8 और 7 कितना होगा 15 हो जाएगा और 3 × 1 = 4 = 45 और -24। अब सब्ट्रैक्शन लास्ट में, तो हम इसको आराम से क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1 और 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गए, तो ये है सिंपलीफाई, कैसे इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू।